ये देखो ट्रिप के नशे में पागल हुआ एक नौजवान, अकेले बैठे अकेले बात किए जा रहा है। सदमा लगा इसको मोटा ही। हाल ही में भाई का भी ब्रेकअप हुआ है, इस वजह से भाई को लग रहा है कि उसकी बंदी उसके साथ में बैठी हुई है, बट उधर कोई भी नहीं देख रहे फ्रेंड्स। ऐसा हाल होता है तो कभी प्यार नहीं करना चाहिए, प्यार में ऐसी हालत होती है। तो काफ़ी लंबा इंतजार करवाने के बाद अब मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ रोड ट्रिप का पार्ट टू। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर, हमारी पावर है, हमारी पावर है। पार्ट वन में आपने अभी तक देखा कि काफ़ी लंबा इंतजार करने के बाद अब मैं निकला था अपने रोड ट्रिप पे, और रोड ट्रिप पे मेरे साथ जा रहे थे मेरे कुछ दोस्त लोग, और ये रोड ट्रिप आप मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में भी कह सकते हो। तो इस रोड ट्रिप में हम गए थे मुरारी देवी, जिसमें हमने रास्ते में हिमाचली कल्चर भी देखा और मुरारी देवी का मंदिर घूमे, और अब उसके बाद हम लंच करके निकले थे अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो पहले तो मैंने आप सब लोगों से छुपा के रखी थी लेकिन बाद में इंस्टाग्राम पे रिवील कर दी थी। तो अब एंजॉय कीजिए पार्ट टू। आगे कहीं नई जगह, कहीं नई डेस्टिनेशन पे, सो वो आपको अभी आगे पता लगेगा, क्योंकि अभी बता दूंगा तो आपकी एक्साइटमेंट ख़त्म, अपनी ख़त्म। तो बहुत अच्छी जगह है, प्यारी जगह पे जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून्ड गाइस, चलिए मिलते हैं आगे। गाइज अब हम निकल चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, और अब हम जा रहे हैं रिवाल्सर मंडी में, और अभी देखते हैं अभी आगे, हम सोच रहे हैं कि अभी गाड़ी पार्क करके थोड़ा डांस वांस किया जाए। चलो चलो चलो, और देखते हैं, अभी लेट भी हो रहे हैं, टाइम से भी पहुंचना है, घर भी वापस जाना है आज, तो चलिए मिलते हैं अब आपको आगे रिवाल्सर में। इंजॉय कीजिए हमारे साथ ये जर्नी। साइड हो जो रिवाल्सर लेक, और यहाँ का व्यू उठाने के लिए यहाँ पे एक लेक है और कुछ मंदिर वगैरह हैं, और बहुत धर्म के लोग यहाँ पे काफी रहते हैं, बहुत धर्म का एक मंदिर है, और देखते हैं काफ़ी। और बाकी यहाँ पे एक जू भी है, पर शायद ही हम जू में जाएं, क्योंकि जू में जाने के लिए हमें अभी टाइम नहीं है, क्योंकि 2-3 बजे हैं और फिर घर भी वापस जाना है, तो अभी फ़िलहाल जितना कवर हो पाएगा उतना कवर करेंगे, और जो रह जाएगा उसको अगली बार आके कवर करेंगे। अभी ऊपर यहाँ पे नैना देवी माता का मंदिर भी है, थोड़े आगे जाके 3-4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी चढ़ के, लेकिन अभी इतना टाइम है नहीं हमारे पास, तो अभी हम ऊपर भी नहीं जा पाएंगे, तो अभी हम जस्ट यहाँ पे रिवाल्सर लेक के पास ही घूमेंगे और उसके बाद जाएंगे सीधे वापस घर। तो चलिए
गाइस अभी यहाँ पे लेक पे पास घूमने आए हैं। मैं सोच रहा था कुछ मछलियों को कुछ खाना खुना खिला दें, लेकिन यहाँ पे मछलियों को खाना खुना खिलाने के लिए मना है। काफ़ी प्यारी प्यारी रंग की मछलियाँ हैं यहाँ पे, और ऐसा भी बोल रहे हैं यहाँ पे लोग, कुछ लोगों को मैंने जैसे बात करी इस लेक के बारे में तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे कुछ सुनहरे रंग की मछलियाँ भी हैं। और पीछे जैसे भाई कुछ लोगों ने लोगों के पता नहीं खाने में कुछ था कि क्या, बट उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ यहाँ पे मर भी गई थी, तो उसी वजह से यहाँ पे अब इनको खाना खुना खिलाना मना है। लेकिन काफ़ी अच्छा व्यू है गाइस यहाँ पे, एकदम शांत सा माहौल। मैं अगर गेस कर पा रहा हूँ जितना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे अगर हम सुबह और शाम के समय यहाँ पे आएँ तो काफ़ी प्लेजेंट सा एक एनवायरनमेंट होगा। और अभी मैं काफ़ी टाइम तक यहाँ पे बैठ के ये सब इन्जॉय करने वाला हूँ, और फिर उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं आगे कहाँ पे रुकेंगे, क्या करेंगे। तो आगे का प्लान अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि आज का ट्रिप भी कोई डिसाइडेड नहीं था। प्लान तो सिर्फ मुरारी देवी तक जाने का था, और ये रिवालसर का सडन प्लान था, क्योंकि हम मुरारी देवी से जल्दी फ्री हो गए तो सोचा टाइम है तो रिवालसर भी तक भी जाते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए, और अभी नैना देवी जाने का मन था लेकिन जा नहीं पाएंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और अब इतना टाइम है नहीं हमारे पास। तो चलिए एंजॉय कीजिए आप भी। मीनवाइल ये देखो ट्रिप के नशे में पागल हुआ एक नौजवान अकेले बैठे अकेले बात किए जा रहा है, सदमा लगा इसको मोटा ही। हाल ही में भाई का भी ब्रेकअप हुआ है, इस वजह से भाई को लग रहा है कि उसकी बंदी उसके साथ में बैठी हुई है, बट उधर कोई भी नहीं है। देख लो फ्रेंड्स, ऐसा हाल होता है तो कभी प्यार नहीं करना चाहिए, प्यार में ऐसी हालत होती है। भाई कसम से यार बड़ा डर लग रहा है मेरे को उनसे। नहीं वैसे पिटाई भी बड़ी करते कुत्तों की, पकड़ के अगर अकेला कुत्ता मिल जाए ना उनको पकड़ के थपा थप हो जाती है। मेरे को वही वाली फील आ रही है, मेरे साथ नहीं हो जाए वैसे वाला। कुत्ता कुत्ता नहीं ऊपर कुत्ता मैं नहीं, ऊपर कुत्ता बना देंगे मेरा ये यहाँ पे पिटाई करके। अगर पकड़ा ना उन्होंने भाई साहब फोन तो सारा ब्लॉग ब्लॉग तो जाएगा जाएगा, और फोन भी जाएगा जाएगा अपना। ओंदे बेटा प्लीज नॉटी मंकी, तू किसको फोन करेगा बेटा? फोन दे दे बेटा, मंकी बेटा फोन दे। इज्जत का फलूदा क्यों निकाल रहे यार, फोन दे दे, इम्प्रेस करना चाहता। देख दो झापड़ मार चुका, अब प्लीज दे दे। सब मुंह माया, मुंह माया चली जाएगी क्यों, है ना भाई? बंदरों से कुत्तों से भाई को लगता है डर, तो जिसने मेरे को अपने घर बुलाना होगा ना तो घर पे कुत्ते वगैरह नहीं पालना भाई, कुत्ते से डर लगता है यार, समझा करो बात। तो चलिए रिवालसर से निकल गए हम, अब रिवालसर से निकल रहे हैं और अब जाएंगे सीधा घर, और बीच में देखते हैं कहीं पे कुछ रुकना होगा तो देखेंगे। बाकी लेक घूम लिए, ज़्यादा यहाँ पे हम घूमे नहीं क्योंकि हम पहले ऑलरेडी में हम सब पहले घूम चुके थे यहाँ पे, तो इतना कुछ था नहीं यहाँ पे घूमने को। लेकिन देखते हैं अब आगे कहीं पे रुकेंगे रास्ते में तो ठीक है, वरना सीधा घर जाएंगे। और फिर आपको जल्दी अपने अगले ट्रिप पे शायद पराशर वाले पे या कहीं और का होगा, ब्रोट वैली भी हो सकता है, तो मे बी आई डोंट नो, आपको बता दिया जाएगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, यूट्यूब पे अपडेट थोड़ा लेट हो जाता है देने को, तो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। और तो चलिए अभी चलते हैं घर, और इन्जॉय कीजिए आप भी हमारे साथ ये घर वापसी की जर्नी।
आर बैक टू होम। सो अभी अभी हम घर पहुंच चुके हैं और भाई लोग भी अभी जा रहे हैं। अब केडी भाई जाएंगे यहाँ से घर और मैं और किंगो जाएंगे अपने घर। अक्षु मेरे साथ घर जाएगा क्योंकि अक्षु अपना पड़ोसी है। सो अभी हम जा रहे हैं घर, तो चलते हैं केडी भाई को करते हैं शी ऑफ और फिर निकलते हैं अपने घर के लिए। सभी को कॉल जा रही है घर से क्योंकि हम काफी लेट हो गए हैं। बीच में हम थोड़ा मस्ती करने के लिए रुक चुके थे तो वो मस्ती ऑन कैमरा नहीं हो पाई क्योंकि वो हाइड करना पड़ती थी है लोगों से, समझते हो आप। बाप को सिखाना नहीं है, समझदार हो, समझ जाओगे। तो चलिए अभी जल्दी से करते हैं केडी भाई को शी ऑफ और फिर निकलते हैं क्योंकि सभी को घर से बहुत सारी कॉलें आ रही हैं। मेरे को, अक्षु को, केडी भाई को कॉलें आ रही हैं कि काफी लेट हो गए, इतने दूर तुम गए नहीं थे जितना तुम टाइम लगा रहे हो। सो चलिए निकलते हैं अब घर के लिए। चलिए करते हैं केडी भाई को शी ऑफ और फिर निकलते हैं। तो एक केडी भाई, ठीक है, फिर मिलते बाबा फिर जल्दी, नेक्स्ट ट्रिप पे जल्दी मिलेंगे। तो चलिए भाई आप, तो चलिए आप हमारे साथ, और चलिए भाई तो आप जरा डिग्गी खोल दीजिए, हमारा बैग पड़ा हुआ है पीछे, तो हम बैग निकाल लेते हैं अपना और फिर निकलते हैं घर के लिए। सो अंधेरा हो चुका है भाई, लोग बाहर काफी ज्यादा। ओके ब्रो, टेक केयर, बाय। ध्यान से जाइयो, खोलो इतनी डिग्गी है, खोल दिया डिग्गी भाई ने बैग। ओ आगे से पावर बैंक और वो उठा लियो मेरा डाटा केबल। सो केडी भाई जल्दी ही आप जल्दी अगला ट्रिप प्लान करो और ऑडियंस को क्या बोलना है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके भाई की वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हो। गाइस कमेंट किया करो और भाई की बात मान लेना यार, भाई ने बोला है सब्सक्राइब करने को तो सब्सक्राइब किए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले अपडेट्स आप ना मिस करो। जल्दी हम अपने अगले ब्लॉग लेके आएंगे, तो सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। सो हे गाइस, फाइनली आई एम बैक टू होम और सॉरी गाइस मैं पहुंचने में काफी लेट हो गया, अराउंड 7 बजने को हो रहे हैं और मैं अभी जाके घर पे पहुंचा हूँ। घर वालों से भी काफी सॉलिड डांट पड़ रही है और आई नो कि मैं काफी जल्दी वहां से, निवालसर से तो काफी जल्दी निकल गया था लेकिन रास्ते में हम थोड़ा रुक गए थे तो उसके कारण लेट हो गए। सो यही था आज के ब्लॉग में, अब घर वालों से डांट खा लेंगे, थोड़ा आप भी डांट रहो। सो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना ही बोले, वो तो आपका फ़र्ज है क्योंकि मैंने पीछे भी आपको बता चुका हूँ कि 40% ऑडियंस ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों को पता लगे कि आप लोगों का भाई अच्छी अच्छी ब्लॉगिंग कर रहा है, अच्छी अच्छी जगहों पर आपको घुमाने के लिए लेके जा रहा है। सो यही था आज के ब्लॉग में गाइज, आई होप कि अच्छा लगा होगा और ये ब्लॉग 2 पार्ट में आएगा। सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो आप पार्ट 1 भी जाके जरूर देखें और जिन्होंने पार्ट 1 देख लिया है वो पार्ट 2 देखें और दोनों को पार्ट 1 पार्ट 2 को शेयर करें और मेरे बाकी ब्लॉग्स जिन्होंने नहीं देखे हैं वो भी जाके देख लें। और यही था, तो चलिए मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग में भी प्राशर का होगा, मे बी स्नो कैंपिंग होगी, सो मोर एक्साइटिंग, सो स्टे ट्यून्ड गाइस और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, ऑल अपडेट्स आर देयर। सो लव यू, बाय बाय।